डॉक्टरी छोड़ पहले बनी आईपीएस फिर आईएएस, ऐसा रहा इस महिला अफसर का सफर। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीत पक्की पर, जहां आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे जो कभी डॉक्टर थी, डॉक्टरी छोड़कर आईपीएस बनी और फिर बन गई आईएएस अफसर। अगर आप भी जानना चाहते हैं इनके बारे में तो वीडियो का एंड मिस ना करके वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यूपीएससी एग्ज़ाम भारत में होने वाली सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। हर साल लाखों कैंडिडेट्स आईएएस अफसर बनने के लिए हाथ आजमाते हैं और इसके लिए कड़ी मेहनत भी करते हैं। कुछ लोग इसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए करते हैं तो कुछ लोग इसे अपने चाहने वालों के सपनों को पूरा करने के लिए करते हैं। तो आज हम आपको आईपीएस से आईएएस अधिकारी बनी मुद्रा गोरेला के बारे में बता रहे हैं, जिन्होंने अपने पिता के आईएएस अधिकारी बनने के सपनों को पूरा करने के लिए अपनी मेडिकल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। आईएएस अधिकारी मुद्रा गोरेला उत्तराखंड के चमोली जिले के कर्णप्रयाग की रहने वाली है। आईएएस अधिकारी मुद्रा गोरेला और उनका परिवार दिल्ली में रहता है। आईएएस अधिकारी मुद्रा गोरेला बचपन से ही टॉपर रही हैं। उन्होंने 10वीं में 96% और 12वीं में 97% अंक हासिल किए थे। उन्हें भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी द्वारा स्कूल में सम्मानित किया जा चुका है। आईएएस अधिकारी मुद्रा गोरेला ने 12वीं कक्षा पास की और मुंबई के एक मेडिकल कॉलेज में बीडीएस यानी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी कोर्स में दाखिला लिया। आईएएस अधिकारी मुद्रा गोरेला को भी बीडीएस में गोल्ड मेडल मिला। ग्रेजुएशन के बाद वो दिल्ली आ गए और एमडीएस में दाखिल लिया, लेकिन उनके पिता हमेशा चाहते थे कि वो आईएएस अधिकारी बने। आईएएस अधिकारी मुद्रा गोरेला के पिता का सपना खुद एक आईएएस बनने का था। मुद्रा गोरेला ने एमडीएस बीच में ही छोड़ दी और यूपीएससी परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। साल 2018 में आईएएस अधिकारी मुद्रा गोरेला ने पहली बार यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा दी, जिसमें वो इंटरव्यू राउंड तक पहुंची। आईएएस मुद्रा गोरेला ने 2019 में दोबारा यूपीएससी इंटरव्यू दिया, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, जिसके बाद 2020 में वो मेंस परीक्षा क्रैक नहीं कर पाई। आईएएस मुद्रा गोरेला ने 2021 में फिर से यूपीएससी परीक्षा दी। इस बार उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने 165वीं रैंक के साथ यूपीएससी क्लियर किया और आईपीएस बन गई। आईएएस अधिकारी बनने के अपने सपनों को साकार करने के लिए आईएएस अधिकारी मुद्रा गोरेला साल 2022 में 53वीं रैंक के साथ यूपीएससी क्लियर कर आईएएस बनने में कामयाब रही। आईएएस अधिकारी मुद्रा गोरेला के पिता अरुण गोरेला भी सिविल सेवा परीक्षा पास कर आईएएस अधिकारी बनना चाहते थे। उन्होंने साल 1973 में यूपीएससी की परीक्षा दी थी, उस वक्त वे इंटरव्यू में सफल नहीं हो सके। उनका अधूरा सपना उनकी बेटी ने पूरा किया। अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए आईएएस अधिकारी मुद्रा गोरेला ने एमडीएस को बीच में ही छोड़ दिया था और यूपीएससी परीक्षा की तैयारी की और उन्होंने अपने पिता का सपना पूरा किया और आईएएस अधिकारी बन गई। इनकी कहानी लाखों युवाओं को प्रेरणा देती है जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और आईएएस अधिकारी बनकर अपने और अपनों का सपना सच करना चाहते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अगर अब तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।